Hello everyone, so welcome back to the great Unacademy JEE YouTube channel, aapka favorite. Aur myself Paaras Sir, to aaj hum continue karenge with the lecture of Chemical Kinetics. Beta class 12th ka lecture hai, Chemical Kinetics, theek hai, 12th ka chapter hai. Aur iska third lecture hum continue karne wale hai. To koi bhi naya student agar hai, aapne beta purane do lecture nahi dekhe hai, please playlist mein jaake dekh lena. To aaj hum problem solving bhi karenge, zero order reaction se start bhi karenge, integrated. रेट लॉ बाकी मेरे बारे में थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन आपको मिली रही होगी. ओके तो चलिए स्टार्ट करते हैं. वैसे मैं देख रहा था आप लोगों के कमेंट्स, आपकी चैट अभी पढ़ रहा था. मतलब क्या क्या करते रहते हो यार तुम लोग, मतलब सीरियसली. ठीक है चलो 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 लेट्स बिगिन विद द लेक्चर नंबर 3. तो सब्सक्राइब तो आप लोगों ने कर ही दिया होगा. बाकी आपको सबको पता है कि हमारी टीम और हमारे साथ और भी बहुत सारे टॉप एजुकेटर्स अनअकैडमी प्लस पे लाइव पढ़ाते हैं. तो प्लस पे आपको टेस्ट, क्विज, डेडिकेटेड आउट क्लासेस, मोर पर्सनलाइज, ज़्यादा इंटरेक्शन करने को मिलती है. और आज तो प्लस में इमोजीज की सपोर्ट भी ऐड हो चुकी है, राइट. तो हमारा देखिए वन ईयर बैच फॉर क्लास 12, दैट इज इवॉल्व फॉर क्लास 12 एंड वन ईयर बैच फॉर क्लास 11 इमर्ज स्टार्ट हो चुके हैं, रनिंग है. तो अगर आप प्लस ज्वाइन करते हैं तो जल्दी से एनरोल कर लेना. तो क्या करना है, unacademy.com/plus पे जाके चूज अ गोल में बेटा आई टी जेई क्लिक करना है. उसके बाद सब्सक्रिप्शन में वन ईयर जस्ट 25,000 वन ईयर, तीन सब्जेक्ट, टॉप फैकल्टी, अनलिमिटेड व्यूइंग. जो मर्जी कोर्स देखो, जितनी बार देखो, मिस हो गया उसका रिकॉर्डेड सेशन देख लो, राइट. तो एवरीथिंग, और उस पर 10% डिस्काउंट अगर आप ये जेई लाइव कोड लगाते हैं. तो ये लगाना है, ठीक है. चलो 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 तो चलिए स्टार्ट करते हैं. ये कोड याद रखना सबने. बेटा सबसे पहले कुछ आईआईटी की बहुत पुरानी प्रॉब्लम से स्टार्ट करते हैं, राइट. 1981 का आईआईटी का क्वेश्चन है ये. द रेट कांस्टेंट ऑफ अ रिएक्शन डिपेंड्स ऑन, चलो भी बताओ जल्दी से. आई एम वेटिंग फॉर ए रिस्पॉन्स. आप लोग रिस्पॉन्स देंगे. यस अनुप्रकाश, बेटा तबीयत ठीक हो गई है. एक्चुअली उस दिन हेडेक काफी हो रहा था, ठीक है, तो अगले दिन तक ठीक हो गया था, डोंट वरी. होमवर्क, होमवर्क भी मिलेगा. अरे पहले ये तो करो, जल्दी से मुझे बताओ. यस 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 लेट्स रॉक. इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ने का कोई ट्रिक बताइए. इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बेटा एक तरीका है, मैं बताऊंगा आपको थोड़ी देर में इनऑर्गेनिक का. चलिए पहले क्वेश्चन करते हैं, ठीक है. आई विल आंसर योर क्वेरी. अरे कोई बात नहीं यार, प्लस अफोर्ड नहीं कर पा रहे तो उधर पढ़ो ना आराम से. देखो तो आंसर क्या आ रहा है बच्चों का, बी ए. ओके ग्रेट. देखो द रेट कॉन्स्टेंट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, राइट. इनिशियल कंसेंट्रेशन नहीं, टाइम ऑफ रिएक्शन नहीं, एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन नहीं, टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, ठीक है. तो आंसर इज ए, टेम्परेचर. तो जो आपका रेट कॉन्स्टेंट है के, वो सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड करता है. चलिए नेक्स्ट, द स्पेसिफिक रेट कॉन्स्टेंट, मतलब वही के, ऑफ अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन डिपेंड्स ऑन द. ये देखो 1983 में वही क्वेश्चन रिपीट हुआ, नाम घुमा दिया उसका. ओके क्या किया उसका, नाम चेंज कर दिया. स्पेसिफिक रेट कॉन्स्टेंट थोड़ा बहुत ऊपर नीचे किया, एंड दिस इज ऑल्सो टेम्परेचर. तो ये होता है कि यार पुराने क्वेश्चन रिपीट होते हैं. ये उन बच्चों के लिए था जिनको लगता है सर जेई में क्या क्वेश्चन रिपीट होते हैं. अरे यार बिल्कुल होते हैं. पुराने आईआईटी के क्वेश्चन जेई मेन में कई बार आ चुके हैं, एज इट इज आ चुके हैं, ठीक है. नीट में अपने ही पुराने क्वेश्चन नीट में रिपीट होते हैं. तो कोई भी अगर मेडिकल एस्पिरेंट्स हैं बेटा, आप सबके लिए भी ये लेक्चर उतना ही बेनिफिशियल होगा. चलो और लाइक करते चलो अगर समझ आ रहा है, मजा आ रहा है. देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेट कॉन्स्टेंट फॉर द रिएक्शन 2N2O5 gives you 4NO2 plus O2 is 3×10⁻⁵ per second. Fine. तो K हमारे को दिया बेटा 3×10⁵ per second. If the rate is 2.40×10⁵, तो बेटा concentration of N2O5 कितना आएगा, चलिए बताइए. 2000 का क्वेश्चन है ये IIT का, ठीक है. दिस इज IIT 2000 का क्वेश्चन है, जल्दी से सॉल्व करो. यस यशस्वी बेटा, नमो सर भी हैं और हम सब लोग हैं प्लस पे, ठीक है. वी ऑल आर ऑन प्लस. बेटा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री थोड़े दिनों बाद आएगा, पर आप लोग जितना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की डिमांड कर रहे हो, मैं सोच रहा हूं ऑर्गेनिक पे बीच में कुछ फंडामेंटल का
एक अलग से कोर्स कुछ प्लान कर रहा हूँ, सोच रहा हूँ उसके बारे में, ठीक है? तो उस पर मैं कुछ स्पेशल क्लासेस कंडक्ट करूंगा जो आपको फ्री में मिल जाएंगी, तो डोंट वरी। ऑर्गेनिक का भी प्लान कर रहे हैं, बायो का बहुत जल्दी आने वाला है, उसी की तैयारी चल रही है आजकल। देखो तो बेटे, यहाँ पे पहली बात है, सबसे इंपॉर्टेंट, ध्यान से सुनो, शांत और सुनो। यूनिट्स देख के हम बता देते हैं ये कौन सा रिएक्शन है। बेटा जब के यूनिट्स पर सेकंड है, दैट इंडिकेट्स इट्स अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो बेटा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए आप सिंपल लिखोगे कि रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू के इनटू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, राइट? तो के आपको दिया है, रेट आपको दिया है, तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पूछी है, तो रेट कितना दिया अपने को, 2.40 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 5 मोल पर लीटर पर सेकंड, और के दिया आपको 3 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 5 पर सेकंड इंटू कंसंट्रेशन ऑफ क्या रहेगा, रिएक्टेंट, दैट इज N2O5। बस तो हो गया सॉल्व, 10 रेज टू पावर माइनस 5 माइनस 5 2.4 डिवाइड बाय 3, तो क्या आएगा, दैट इज 0.8। सिंपल सा क्वेश्चन था, राइट? यस समीर, देखो बेटा ध्यान से देखो, जो के यूनिट्स हैं उनसे आपको पता चल जाता है कि वो कौन से ऑर्डर का रिएक्शन है। पर सेकंड का मतलब है ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, तो रेट इज इक्वल टू के इनटू रिएक्टेंट रेज टू पावर 1। रेट भी दिया है बेटा, के भी दिया हुआ है आपको, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पूछी है, डायरेक्टली सिंपल, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था ये, ठीक है? चलिए, यस ऑर्गेनिक की टिप्स, इनऑर्गेनिक वाला मैं बताने वाला हूं आप लोगों को। चलो तो ये क्वेश्चन आप लोग ट्राई करो, एक्चुअली आई गॉट दिस फीडबैक कि ये जो डार्क है ये उतना डार्क नहीं है, तो अगले लेक्चर में ये डार्क थोड़ा डार्क हो जाएगा, ठीक है? डोंट वरी, जो आपके जो थोड़ा बहुत विजिबिलिटी का इशू आ रहा है दैट विल बी रिजॉल्व। और हाँ, इनऑर्गेनिक जो बच्चे पूछ रहे थे उनको बता देता हूँ मैं, ठीक है? जो बच्चे इनऑर्गेनिक का पूछ रहे थे कैसे करना है, बेटा एनसीईआरटी लो, सबसे पहली बात, इनऑर्गेनिक में कुछ भी एडिशनल पढ़ने से पहले एनसीईआरटी पकड़ो, एक पेज पढ़ा, अब उस पेज को माइंड में पूरा रिवाइज करो, अच्छा ये हुआ, फिर ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, ठीक है? नहीं हो रहा पूरा एक पेज, आधा ही पढ़ो, एक पैराग्राफ पढ़ो, उसको माइंड में पूरा रिपीट करो, ये हुआ, अच्छा ये रिएक्ट किया, फिर ये बना, इसका कलर ये था, इसका ये था, ठीक है? वो रिपीट कर लिया एक पैराग्राफ, अब दूसरा पैराग्राफ, दूसरा पैराग्राफ करने के बाद फर्स्ट पैराग्राफ और दूसरा दोनों माइंड में रिवाइज करो, क्या हुआ सीक्वेंस, ऐसा करोगे उसके बाद ही नेक्स्ट पेज पे पलटना, कहानी की तरह न्यूज़पेपर की तरह पढ़ते जाओगे, दिमाग में कुछ रिटेन नहीं होगा। तो बहुत ज़्यादा पढ़ लिया और जीरो रिटेंशन विल वेस्ट योर टाइम एंड एफर्ट, कम पढ़ो पर रिटेन पूरा करो, ठीक है? अगर आप उस पूरे पेज को अपने माइंड में रिपीट कर सकते हो कि क्या हुआ है, देन यू कैन मूव ऑन टू द नेक्स्ट पेज, ठीक है? ये तरीका होता है इनऑर्गेनिक पढ़ने का, ठीक है? चलो देखो, ओके ओके, सॉरी सॉरी, आई वॉज ऑब्स्ट्रक्टिंग दिस। देखिए, द फिगर रिप्रेजेंट्स द चेंज इन कंपैरिजन, क्या, नहीं नहीं नहीं, चेंज इन कॉम्पोजिशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स इन अ रिएक्शन। अब मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि बेटा ग्राफ देख के आपको इक्वेशन लिखना आना चाहिए। देखो इसको मैं 1 ले लेता हूँ, इसको 2 ले लेता हूँ, ये 3, ये 4। बेटा जो ऊपर से नीचे आ रहा है दैट इज रिएक्टेंट, रिएक्टेंट कम होते हैं, तो A की कंसंट्रेशन में जो ड्रॉप आया वो कितना आया, वो 2 यूनिट्स का आया, है ना? फाइनली जाके वो इक्विलिब्रियम पे आ गया, फ्लैट हो गया ग्राफ, तो A में जो ड्रॉप आया वो 2 यूनिट का आया है, ध्यान देना। और जो बेटा C में गेन आया है, C में कितना आया है, 3 यूनिट्स, ठीक है? तो A के जब 2 जाते हैं, C के 3 बनते हैं, और B में कितना गेन आया बेटा, सिर्फ 1। तो मतलब जब 2A रिएक्ट किया तो B का सिर्फ 1 बना और C के बने 3, तो आंसर इज सी। यस, मैक्सिमम बच्चों ने सी आंसर सही दिया हुआ है, चलो दैट्स ग्रेट, ठीक है? मतलब आप लोगों को समझ आ रहा है। अरे देखो, जेई मेन अचीव करने के लिए यार, क्रैक करने के लिए आइडिया नहीं चाहिए, बट आप आराम से डेली कंसिस्टेंटली पढ़ते रहो, प्रॉब्लम लगाते रहो टॉपिक के बाद। ये नहीं है कि उसके प्रॉब्लम प्रैक्टिस नहीं की, थ्योरी पढ़ो तो प्रॉब्लम प्रैक्टिस थोड़ी बहुत ही करो, पर करो जरूर कंसिस्टेंटली बेटा, करते रहोगे तो सब कुछ होगा, ठीक है? और आप लोगों को अगर समझ आ रहा है, मजा आ रहा है, तो लाइक करते चलो, आज अपना 400 लाइक्स का टारगेट है। चलिए तो ये आई थिंक सबको क्लियर है,
दिस इज केमिकल काइनेटिक्स गाइज. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू अबाउट द रेट ऑफ अ रिएक्शन. तो रेट ऑफ अ रिएक्शन कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो. क्या लग रहा है ये? इज दिस करेक्ट? रेट पॉजिटिव और नेगेटिव और जीरो हो सकता है? नहीं. रेट इज स्पीड ऑफ रिएक्शन, राइट? रेट ऑफ रिएक्शन का मतलब है स्पीड ऑफ रिएक्शन. बेटा स्पीड कभी नेगेटिव नहीं होती है. ओके तो ये स्टेटमेंट तो गलत होगी. यूनिट्स ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड ऑन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन. बेटा रेट ऑफ रिएक्शन क्या डिफाइन किया था? रेट होता है चेंज इन कंसेंट्रेशन डिवाइड बाय टाइम. तो डेल्टा सी अपॉन डेल्टा टी, एवरेज रेट ले लिया. तो रेट के यूनिट्स हमेशा हमेशा क्या होते हैं इसके यूनिट्स? मोल पर लीटर पर टाइम, हमेशा. ऑर्डर पे डिपेंड नहीं करते. वो के था, रेट कांस्टेंट जो था उसके यूनिट डिपेंड करते थे ऑर्डर पे, रेट के नहीं डिपेंड करते. ये भी गलत हो गया. एवरेज रेट एंड इंस्टेंटेनियस रेट कैन बी इक्वल. यस, एवरेज रेट और इंस्टेंटेनियस रेट इक्वल हो सकते हैं. देखो अब जैसे अगर कंसंट्रेशन का ग्राफ ऐसा है, कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम ग्राफ बेटा अगर ऐसा है, अगर मैं दो पॉइंट्स को कनेक्ट करूं, इसकी जो स्लोप आएगी दैट विल गिव मी एवरेज रेट, पर इन दोनों पॉइंट्स पे टेंजेंट लूं तो वो देगा मेरे को इंस्टेंटेनियस. तो ऑब्वियस ही बात है यार, दोनों पॉइंट पे जो टेंजेंट आ रहा है और एवरेज आ रहा है वो बराबर तो नहीं है ना स्लोप, ठीक है? बट अगर इसकी जगह पे कंसंट्रेशन ऐसे ड्रॉप करता, अगर कंसंट्रेशन टाइम के साथ ऐसे ड्रॉप करे, तो इसमें चाहे मैं एवरेज निकालूं या इंस्टेंटेनियस निकालूं, बेटा थ्रू आउट स्लोप बराबर है. तो स्लोप क्या है आपका? डीसी बाय डीटी. तो ये आप चाहे ओवर टाइम पीरियड निकाल लो या इंस्टेंटेनियस निकाल लो, बराबर है. तो यस, जब आपका कंसंट्रेशन इस तरह से ड्रॉप करेगा तब एवरेज रेट और इंस्टेंटेनियस रेट बराबर हो सकते हैं. हमेशा होंगे ऐसा नहीं होगा. रेट ऑफ रिएक्शन इज कॉन्स्टेंट फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन. बेटा फर्स्ट ऑर्डर के लिए रेट इज इक्वल टू के इंटू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट. जैसे जैसे ये रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कम होती जाएगी, क्योंकि रिएक्शन चलेगा तो रिएक्टेंट घटेंगे, प्रोडक्ट बढ़ेगा. तो जब रिएक्टेंट घटेगा तो ये रेट भी घटेगा. के तो कांस्टेंट है, तो मतलब फर्स्ट ऑर्डर का रेट ऑफ रिएक्शन कांस्टेंट नहीं होता. रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन के डिक्रीज करने के साथ साथ वो डिक्रीज करता है, राइट? तो ये भी गलत हो गया. तो आंसर इज सी. तो चार ऑप्शन समझ आ गई. जल्दी से लाइक करके बताओ और यस करके बताओ, चारों आपको समझ आ गए. और बेटा देखो कमेंट्स पे चैट पे ज्यादा फोकस मत करो, बिकॉज वी नीड टू फोकस ऑन द लर्निंग पार्ट, ठीक है? होगा ऐसे कुछ बच्चे होंगे बीच में जो थोड़ा मस्ती करने के मूड में होंगे, बट आप लोग सिर्फ लेक्चर पे ध्यान दो, दैट इज इंपॉर्टेंट. आदर्श, बेटा ऑर्गेनिक याद नहीं होता यार. ऑर्गेनिक में बहुत चीज़ें फंडामेंटल समझने पड़ते हैं. हाँ, चीज़ें याद करनी पड़ती हैं, बट आपको फंडामेंटल रिएक्शन मैकेनिज्म समझने पड़ेंगे. यू हैव टू बी गुड इन रिएक्शन मैकेनिज्म एंड स्टीरियो केमिस्ट्री. ये दो पार्ट जब तक आपके स्ट्रांग नहीं होंगे आप उसको नहीं रिलेट कर पाओगे, आप मैकेनिज्म नहीं लिख पाओगे, ठीक है? चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं बेटा, इंटीग्रेटेड रेट लॉ. तो यार अब तक जो हम dx बाय dt, dc बाय dt वो लिखते थे, वो डिफरेंशियल फॉर्म थी, है ना? माइनस डी ए बाय डी टी इज इक्वल टू डी बी बाय डी टी एंड ऑल. वो जो डी बाय डी टी में लिखते थे वो था डिफरेंशियल फॉर्म. अब हम बात करेंगे इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन की, कि जब भी कोई रिएक्शन होता है, जब भी कोई रिएक्शन होगा, टाइम के साथ साथ रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कम होती जाती है. तो बेटा रिएक्टेंट के नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कम होते जाएंगे तो उनके कोलिजंस भी कम होंगे, रेट ऑफ रिएक्शन भी वेरी करेगा. तो क्या हम कोई ऐसी इक्वेशन डिराइव कर सकते हैं जो हमें यह बताए कि यार अभी रेट कितना था, आधे घंटे के बाद कितना होगा, चार घंटे के बाद कितना होगा, ठीक है? जो उसको रिलेट करके बताए कि मैं किसी भी मोमेंट पे रेट ऑफ रिएक्शन निकाल सकूं. तो ऐसी इक्वेशन हम डिराइव करेंगे, उसके लिए हम यूज करेंगे इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन, ठीक है? मतलब ये डिराइव करेंगे हम इंटीग्रेटेड रेट लॉ. तो देखो फॉर एन एलिमेंट्री रिएक्शन, सबसे पहले उन बच्चों के लिए जिनको नहीं पता व्हाट इज एलिमेंट्री रिएक्शन, बेटा जो सिंगल स्टेप में होने वाला रिएक्शन होता है उसको बोलते हैं एलिमेंट्री रिएक्शन. सिंगल स्टेप, जस्ट ए से बी बन गया, दैट्स ऑल. अब आप बोलोगे सर सिंगल स्टेप में तो होते हैं सारे के सारे रिएक्शन. नो बेटा, रिएक्शन मेजॉरिटी ऑफ रिएक्शन आर कॉम्प्लेक्स.
आपको तो दिखता है ए है रिएक्टेंट और बी है प्रोडक्ट, पर वो डायरेक्टली नहीं कन्वर्ट हुआ. रिएक्टेंट पहले किसी और चीज में कन्वर्ट हुआ, फिर मे बी वो जाके प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुआ. तो मजॉरिटी ऑफ रिएक्शंस आर लाइक रिएक्टेंट किसी और चीज में कन्वर्ट होता है, दैट इज कॉल्ड इंटरमीडिएट, फिर वो इंटरमीडिएट जाके प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है. काफी कम रिएक्शन ऐसे हैं जो आपको सिर्फ सिंगल स्टेप में ही होते हैं. तो एलिमेंट्री रिएक्शन का मतलब है वो रिएक्शन जो सिंगल स्टेप में हो रहे हैं, मल्टीपल स्टेप में नहीं हो रहे. ठीक है, लाइक एच रेडिकल प्लस सी एल टू गिव्स यू एच सी एल प्लस सी एल रेडिकल. तो बेटा जो एलिमेंट्री रिएक्शन होता है ना, स्टेप ही एक है, तो यही स्टेप है, तो रेट इसी पे डिपेंड करेगा. यही बन जाएगा आपका रेट डिसाइडिंग या रेट डिटर्मिनिंग स्टेप. क्या बोलते हैं उसको? आरडीएस. ये क्या होता है? रेट डिसाइडिंग या रेट डिटर्मिनिंग स्टेप. जब स्टेप ही एक है तो सारा का सारा रेट उसी पे डिपेंड करेगा. तो यही है रिएक्टेंट्स. तो रेट एग्जैक्टली इन्हीं पे डिपेंड करेगा, के इंटू एच रेडिकल इंटू सी एल टू, दैट्स ऑल. एच रेडिकल के रिस्पेक्ट में वन क्यों आया, यहां वन क्यों आया, क्योंकि एलिमेंट्री में, एलिमेंट्री रिएक्शन में जो स्टॉक्यूमेट्री कॉफिशियंट्स होते हैं वही ऑर्डर बनते हैं एलिमेंट्री रिएक्शन में. पर आप किसी रिएक्शन को देख के नहीं बता सकते कि ये एलिमेंट्री है या नहीं है. ठीक है, मैं जस्ट एग्जांपल दे रहा हूं, तो इस पे ध्यान देना. ठीक है, नो प्रॉब्लम राज बेटा, जब ऑर्गेनिक स्टार्ट करेंगे तो सब कुछ आ जाएगा. ओके, ध्यान दो यार, यहां पे ध्यान दो. आप लोगों को सब कुछ करवाऊंगा, बहुत अच्छे से करवाऊंगा, बस मुझे एक चीज चाहिए आपसे वापसी में, रिटर्न क्या चाहिए? आपकी अटेंशन बोर्ड पे. राइट, देखो तो बेटा जो एलिमेंट्री था उसके लिए रेट इक्वेशन हमने लिख दी. तो रेट इक्वेशन क्या करती है आपको? रेट इक्वेशन टेल्स अस द रेट ऑफ रिएक्शन एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट. किसी भी इंस्टेंट पे मेरे को अगर ये वैल्यू पता है, इसकी कंसेंट्रेशन क्या है, इसकी कंसेंट्रेशन क्या है, ये दोनों मुझे पता है, के कॉन्स्टेंट होता है, वो वैल्यू डाल दूंगा, रेट निकल जाएगा. अब ये जो दोनों कंसेंट्रेशन, ये तो टाइम के साथ चेंज हो रही है. तो किसी भी मोमेंट पे अगर ये डेटा मेरे पास है इनकी कंसेंट्रेशन का, तो उस मोमेंट पे रेट मैं निकाल सकता हूं. राइट, तो इफ वी नो द कंसेंट्रेशन ऑफ स्पीशीज एंड द रेट कॉन्स्टेंट, तो हम आराम से निकाल लेंगे रेट ऑफ रिएक्शन क्या है. बट इट वुड बी यूजफुल टू हैव एन एक्सप्रेशन. अब हर बार मेरे को ये काम रह गया, मैं जाके एक एक कंसेंट्रेशन मेजर करता रहूं, फिर उसको इक्वेशन में पुट करता रहूं. क्या मैं प्रिडिक्ट नहीं कर सकता कि यार अगर अभी कंसेंट्रेशन इतनी है तो एक घंटे के बाद उसका रेट क्या होगा? क्या कर सकता हूं समय, मतलब हर बार मुझे जाके एक अगर कंसेंट्रेशन मेजर करना पड़े और वही पूरा काम करना पड़े, उससे बेटर कोई इक्वेशन ऐसी बना दो कि अभी की कंसेंट्रेशन का डाटा मेरे पास है और मैं ये बता दूंगा कि दो घंटे के बाद कंसेंट्रेशन कितनी बचेगी. राइट, तो इट वुड बी यूजफुल टू हैव एन एक्सप्रेशन दैट शोज हाउ द कंसेंट्रेशन वेरीज विद टाइम. कैसे वो चेंज होगी? दिस इंफॉर्मेशन कम्स फ्रॉम इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन, और वो हम यहां पर डिराइव करने वाले हैं. ओके, सो लर्न द इंटीग्रेटेड रेट लॉ, हाउ टू डिराइव दैट. चलिए आदित्य, मस्ती नहीं. देखो बेटा, एलिमेंट्री रिएक्शन आपको जब तक मेंशन नहीं होगा या आप याद नहीं करोगे, तब तक आप नहीं बता सकते रिएक्शन को देख के वेदर दैट इज एलिमेंट्री और नॉट. फाइन, देखिए, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द जीरो ऑर्डर रिएक्शन. इससे स्टार्ट करेंगे, फिर ये कंप्लीट करने के बाद वी विल मूव ऑन टू फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन. देखो तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन के एग्जाम्पल्स क्या, एग्जाम्पल भी आपको याद करने पड़ेंगे. कई बार क्वेश्चन में डायरेक्टली आता है, चार ऑप्शन हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज जीरो ऑर्डर रिएक्शन, या विच ऑफ द फॉलोइंग इज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन. एक हो गया रिवर्स हेबर प्रोसेस. हेबर प्रोसेस में अमोनिया बनता था, रिवर्स हेबर प्रोसेस में अमोनिया डिकम्पोज होता है ऑन द सरफेस ऑफ प्लैटिनम. तो टू अमोनिया गैसेस गिव्स यू N2 प्लस 3H2 ऑन द सरफेस ऑफ प्लैटिनम. ये आ गया जीरो ऑर्डर. देन फोटोकेमिकल रिएक्शंस, या कोई भी ऐसा रिएक्शन जो सिर्फ सनलाइट की या लाइट की प्रेजेंस पे डिपेंड करता है. अब फोटोसिंथेसिस करवाना है, ले आओ हरे पत्ते, जितने मर्जी ग्रीन लीव्स ले आओगे उससे क्या होगा, इट वोंट स्टार्ट अंटिल द सनशाइन हिट्स दैट. ठीक है, उसके बिना तो नहीं होगा ना. तो जितने भी फोटोकेमिकल रिएक्शन हैं दे रिक्वायर लाइट. तो रिएक्टेंट की कंसेंट्रेशन बढ़ाने से कुछ नहीं होगा. तो H2 प्लस Cl2 गिव्स यू 2HCl इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, उसके बिना नहीं होगा. तो ये ना तो H2 पे डिपेंड करता है ना ये Cl2 पे डिपेंड करता है. फाइन,
वैसे 2HII का डिकम्पोजिशन गोल्ड के सरफेस पे H2+I2 में, फिर 2N2O गैस प्लेटिनम के सरफेस पे डिकम्पोज किया N2O2 में। तो बेटा ये याद ज़रूर कर लेना, इंपॉर्टेंट है। ये सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको एक जगह पे इकट्ठी करके दे रहा हूँ ताकि आपको इधर उधर ढूंढना ना पड़े बुक्स में, मल्टीपल बुक्स में, और आप एक जगह आराम से इसको पढ़ के याद कर लो, ठीक है। चलिए तो लेट्स स्टार्ट आगे। अब इसका पहला केस लेते हैं। यार देखो, नॉर्मली यार जीरो ऑर्डर रिएक्शन, तो जीरो ऑर्डर में क्या होगा, रेट इज इक्वल टू के इंटू कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट रेज टू पावर जीरो, एनीथिंग रेज टू पावर जीरो इज वन, मतलब रेट इज इक्वल टू के, सीधी सी बात है, ठीक है। तो पहला केस लेते हैं कि ए कन्वर्ट हो रहा है प्रोडक्ट में, तो टी इज इक्वल टू जीरो पे मान लेते हैं इसका जो गिवन अमाउंट था दिया है कि इसके ए मोल्स हैं, ठीक है ना, या मान लो इसकी कंसेंट्रेशन दी है कि इसकी ए कंसेंट्रेशन है, तो ये इसकी इनिशियल कंसेंट्रेशन आ गई, प्रोडक्ट अभी बना नहीं, अभी रिएक्शन स्टार्ट हो रहा है, आफ्टर सम टाइम ये कम होगा तो इसकी कंसेंट्रेशन ए से कुछ कम हो जाएगी, ए माइनस एक्स आ जाएगी, ये इसके एक्स अमाउंट बन जाएंगे। क्यों एक्स क्यों बना, वो 2x भी बन सकता था, दैट डिपेंड्स ऑन द स्टॉकियोमेट्री, यहां पर 1 है 2 है 3 है 4 है क्या है, तो दैट डिपेंड्स ऑन स्टॉकियोमेट्री, सो लेट्स नॉट टॉक अबाउट दैट कि ये कितना बना, हम उसमें इंटरेस्टेड नहीं है, ये किस स्पीड से कम हो रहा है उसमें इंटरेस्टेड है, उससे हम रेट को डिसाइड करेंगे। तो देखो रेट इज इक्वल टू के इंटू ए रेज टू पावर जीरो, तो रेट इज इक्वल टू के, रेट कॉन्स्टेंट हो गया, ठीक है। अब रेट किसके बराबर होता है, माइनस डी ए बाई डी टी, अगर ए आपका रिएक्टेंट है तो रेट को मैं लिख सकता हूं माइनस डी ए बाई डी टी इज इक्वल टू के आ जाएगा ये, ठीक है। अब ए की कंसेंट्रेशन आफ्टर सम टाइम क्या है, ए माइनस एक्स, तो चलो कंसेंट्रेशन ऑफ ए को मैं लिख देता हूं ए माइनस एक्स, तो माइनस डी बाई डी टी ऑफ ए माइनस एक्स इज इक्वल टू के। अब डी टी को उधर ले जाते हैं, ठीक है ना। अब देखना ए तो बेटा कॉन्स्टेंट है क्योंकि स्टार्टिंग में जो भी वैल्यू थी उसकी कंसेंट्रेशन की वो फिक्स वैल्यू थी कि 5 मोलर है, 2 मोलर है, 0.1 मोलर है, तो ये जो ए है वो कांस्टेंट है, उसको जो आप डिफरेंशिएट करोगे तो जीरो आएगा और माइनस माइनस पॉजिटिव बनेगा, तो ये डिफरेंशिएट करने पे आपके पास आ जाएगा dx बाई डी टी, तो dx बाई डी टी इज इक्वल टू के, यहां से डी टी को उधर ले गए तो dx इज इक्वल टू के डी टी, ठीक है। तो ये dx क्या है, चेंज, तो ये चेंज स्मॉल इंटरवल टाइम डी टी में dx अमाउंट का चेंज हुआ है, तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम क्या होगा उसके लिए इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं, है ना। स्मॉल इंटरवल का अगर आपको दिया हुआ है, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम के लिए आप इंटीग्रेट करते हो, तो dx इज इक्वल टू के डी टी, एक्स इज इक्वल टू के टी आ गया। तो ये x क्या है, यहां पे x इज द ड्रॉप इन कंसेंट्रेशन, कि a की कंसेंट्रेशन कितनी ड्रॉप हुई थी वो किस पे डिपेंड कर रहा है, के टी पे, x इज इक्वल टू के टी, ठीक है। तो इनिशियल कंसेंट्रेशन था ए, टी टाइम में कितना ड्रॉप हो गया, के टी, तो फाइनल कितना बचा, ए माइनस के टी। एक तो आप ऐसे भी कर सकते हो डायरेक्टली कि इनिशियल कंसेंट्रेशन क्या दिया आपको, ए, राइट, थोड़ी देर के बाद कितना ड्रॉप हो गया इसमें से, के टी, आफ्टर टाइम टी के टी ड्रॉप हो गया, तो जो फाइनल कंसेंट्रेशन हुआ या कंसेंट्रेशन ऑफ ए आफ्टर टाइम टी इज इक्वल टू इनिशियल कंसेंट्रेशन माइनस के टी, ऐसे लिख सकते हो आप, ए टी इज इक्वल टू ए माइनस के टी, या इसको ए नॉट कर लो तो ए नॉट माइनस के टी। अब इसकी एक और डेरिवेशन भी करवाने वाला हूं, ये तो एक फॉर्मूला हो गया कि जो ड्रॉप इन कंसेंट्रेशन है वो किसके बराबर है, के टी के बराबर है। अब देखो कंसेंट्रेशन वर्सेस टाइम ग्राफ, तो कंसेंट्रेशन वर्सेस टाइम ग्राफ यहां पर क्या है, स्ट्रेट लाइन, ठीक है, जो रिएक्टेंट है वो स्ट्रेट लाइन में डिक्रीज कर रहा है, ओके, क्यों स्ट्रेट लाइन में क्यों डिक्रीज कर रहा है टाइम के साथ, बिकॉज बेटा एक्स इज इक्वल टू के टी आया, जो ड्रॉप है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर है, सॉरी दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम है, तो जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा वो ड्रॉप है, तो कंसेंट्रेशन यूनिफॉर्मली ड्रॉप कर रहा है। अब देखो नेक्स्ट, अब हम ऐसे भी लिख सकते थे इसको, एक और डेरिवेशन इसका, के माइनस डी सी बाई डी टी इज इक्वल टू के, रेट इज इक्वल टू के करना था, तो रेट को मैं माइनस डी सी बाई डी टी लिख सकता हूं, दैट इज इक्वल टू के, और सी क्या है, दैट इज द कंसेंट्रेशन एट एनी टाइम टी, तो माइनस डी सी इज इक्वल टू के डी टी आ गया। अब इसको जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास कंसेंट्रेशन का टाइम के साथ जो वेरिएशन है
वो इक्वेशन की फॉर्म में जनरेट होगा. तो बेटा कंसंट्रेशन कहां से कहां जा रही है? इनिशियली कंसंट्रेशन थी सी नॉट, ठीक है. तो सी नॉट क्या है? दैट इज इनिशियल कंसंट्रेशन, और आफ्टर सम टाइम टी वो कितनी हो जाएगी? सी टी. तो कंसंट्रेशन वेरी कर रहा है सी नॉट से सी टी पे, और टाइम चल रहा है आपका जीरो से टी तक. ये इंटीग्रेट करो, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो आ रहेगा सी टी माइनस सी नॉट इज इक्वल टू माइनस ऑफ के टी. और यू कैन राइट सी टी इज इक्वल टू सी नॉट माइनस के टी. मतलब आफ्टर टाइम टी जो कंसेंट्रेशन है वो कितना है? इनिशियल माइनस के टी. वही तो आपको मैंने प्रीवियस स्लाइड में बताया था कि ए टी आफ्टर टाइम टी जो कंसेंट्रेशन था वो इनिशियल माइनस के टी है. मतलब टी टाइम में जो ड्रॉप आया दैट इज इक्वल टू के टी. फाइन. अब इसको वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से हम कंपेयर कर सकते हैं, कर सकते हैं ना, वाई इज इक्वल एम एक्स प्लस सी से. इट्स अ स्ट्रेट लाइन इक्वेशन. तो कंसेंट्रेशन को अगर मैं वाई एक्सिस पे प्लॉट करूं और टाइम को एक्स एक्सिस पे प्लॉट करूं, तो ये जो सी नॉट आ गया ये क्या आ गया? वाई इंटरसेप्ट. तो ये जो वैल्यू है दिस इज एक्चुअली सी नॉट इनिशियल कंसेंट्रेशन, और ये लीनियर ड्रॉप कर रहा है तो मतलब स्लोप नेगेटिव आया. तो स्लोप किसके बराबर हुआ? एम इज इक्वल टू माइनस के. तो बेटा ये याद रखना है, ग्राफ्स आर इंपॉर्टेंट. जीरो ऑर्डर में कंसंट्रेशन ऐसे लीनियरली ड्रॉप करता है टाइम के साथ. अब इसको देख के बालकों यहां पे ध्यान दीजिए, ठीक है. देखो अब इसको देख के एक चीज और मैं आपको शॉर्टकट भी बताऊंगा इसका, ठीक है. तो शॉर्टकट करने से पहले यहां पे हम बात कर रहे हैं, शॉर्टकट समझा रहा हूं आपको, ध्यान दो ध्यान दो. हाँ, न्यूक्लियर केमिस्ट्री भी कवर करूंगा, ठीक है. देखो अब बेटा ये इनिशियल कंसंट्रेशन थी, ओके. ये जो इतना ड्रॉप आया ये इतने टाइम में आया, इस टाइम पीरियड में ये इतने अमाउंट से ड्रॉप हुआ, राइट. तो दिस इज अ ड्रॉप dx, दिस इज द टाइम इंटरवल dt. तो बेटा dx बाय dt करूंगा वो क्या आएगा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस करता हूं, क्या आता है? हाइपोटन्यूज, ठीक है. तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस करूंगा, मेरे को क्या मिलेगा? स्लोप. तो इस इंटरवल का स्लोप भी वही है जो इस इंटरवल का है. मतलब अगर ये x अमाउंट ड्रॉप करने में t टाइम लगा है, तो उसके बाद फिर से x अमाउंट को ड्रॉप करने के लिए फिर से t टाइम लगेगा, उसके बाद फिर से x अमाउंट को ड्रॉप करने के लिए फिर से t टाइम लगेगा. मतलब देखो, मतलब मेरे पास अगर स्टार्टिंग में 100 है और मैं बोल रहा हूं कि 5 मिनट में ये हो गया 80, 5 मिनट में 80 हो गया, तो यार ड्रॉप कितना हुआ? जो ड्रॉप था वो ड्रॉप कितना है? 20 का है ना, 100 से 80 जाने में 20 का ड्रॉप आया. तो कितने में आया? 5 मिनट में. तो बेटा इसका मतलब वो कि अगले 5 मिनट में फिर से 20 का ही ड्रॉप आएगा, और ये 60 होगा. अगले 5 मिनट में फिर से 20 का ड्रॉप आएगा, ये 40 होगा. अगले 5 मिनट में 20, अगले 5 मिनट में 0. डन, खत्म. मतलब 5, 10, 15, 20, 25 मिनट में निपट गया मामला, 25 मिनट में साफ हो गया. तो कंसेंट्रेशन जीरो हो रही है, मतलब जीरो ऑर्डर रिएक्शन में रिएक्टेंट्स खत्म होते हैं. जो आप लोगे वो पूरा खत्म हो जाएगा, फर्स्ट ऑर्डर में नहीं होता. ऐसा ग्राफ आता है, इट नेवर टचेस द एक्स एक्सिस, इट नेवर गोज टू कंप्लीशन. क्यों? वो भी देखेंगे. तो जीरो ऑर्डर में बेटा कंसेंट्रेशन खत्म होती है, रिएक्शन खत्म होता है, और जब रिएक्शन खत्म हो गया दैट इज कॉल्ड कंप्लीशन टाइम. तो ये जो टोटल टाइम आया दिस इज कॉल्ड टी 100, कि 100% हो गया रिएक्शन, पूरा खत्म हो गया. तो इसका आधा क्या होगा? हाफ टाइम, टी हाफ, ठीक है. तो जितने टाइम में कंसंट्रेशन इनिशियल वैल्यू का आधे पे आ जाए दैट इज कॉल्ड हाफ टाइम या हाफ लाइफ, ओके. और जितने वो कंप्लीट हो जाए, कंप्लीशन टाइम, ये टी 100. तो बेटा इसमें जैसे एग्जाम्पल दिया आपको, 25 मिनट में वो खत्म हो गया, तो आधा कितने में हुआ होगा? 12.5 मिनट में, ठीक है. अब इसी को हम आगे प्रॉब्लम सॉल्विंग में यूज करेंगे, और प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए क्या होगा, आप ऐसे ऐसे शॉर्टकट से ये इतने इजीली क्वेश्चन कर पाओगे कुछ, जहां पर अगर आप नॉर्मल फॉर्मूला से करते आपके 2 या 3 मिनट वेस्ट होते. हाउ टू टेल द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन? बेटा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए एक तो या तो आपको दिया होगा, या के यूनिट्स चेक करो. के जो यूनिट्स हैं, अगर मोल पर लीटर पर सेकंड है तो जीरो ऑर्डर है, अगर पर सेकंड है
तो फर्स्ट ऑर्डर है, लीटर पर मोल पर सेकंड है तो सेकंड ऑर्डर है, उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। जून में नहीं बेटा, उससे काफ़ी पहले कंप्लीट हो जाएगा बेटा। न्यूक्लियर केमिस्ट्री मैं इसी में कवर करवा दूंगा, डोंट वरी, ठीक है। देखो अब नेक्स्ट, तो जब फाइनल कंसंट्रेशन जीरो होगी, हमारे पास इक्वेशन क्या थी, हमारे पास इक्वेशन थी सी टी इज इक्वल टू सी नॉट माइनस के टी। तो जब कंप्लीशन टाइम हो गया तो फाइनल कंसंट्रेशन जीरो हो गई ना, तो ये जब जीरो हो गया तो सी नॉट इज इक्वल टू के टी हो गया, और टी क्या हो गया, सी नॉट अपॉन के। ये कौन सा टी है, ये वो टाइम है जिसमें रिएक्शन कंप्लीट हो जाता है, तो मतलब कंप्लीशन टाइम इज सी नॉट अपॉन के, मतलब कंप्लीशन टाइम सी नॉट पे डिपेंड कर रहा है। मैं इनिशियल कंसंट्रेशन को अगर मैं डबल करता हूं, ठीक है, मतलब मेरे पास यहां पे इनिशियल कंसंट्रेशन सी नॉट है, इसके लिए अगर टी कंप्लीशन मेरा टी है तो उसको मैं टू सी नॉट कर लेता हूं तो ये डबल हो जाएगा। मतलब कंप्लीशन टाइम इनिशियल कंसंट्रेशन पे डिपेंड कर रहा है, इनिशियल नंबर ऑफ मोल बढ़ा दूंगा, कंसंट्रेशन बढ़ा दूंगा रिएक्टेंट की, तो कंप्लीशन टाइम भी बढ़ जाएगा। सिमिलरली जितने टाइम में 100% हो गया उसके आधे टाइम में 50% हो जाएगा, तो टी 50 क्या हो गया, इसका हाफ, दैट इज सी नॉट अपॉन टू के। तो मतलब सी टी 50 भी सी नॉट पे डिपेंड कर रहा है, तो इसका टी 50 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सी नॉट। ये क्वेश्चन आते हैं आगे के, हाफ लाइफ इज डिपेंडेंट ऑन इनिशियल कंसंट्रेशन, ठीक है, या जीरो ऑर्डर रिएक्शन था, इनिशियल कंसंट्रेशन को हमने इस तरह से चेंज किया, नया हाफ लाइफ क्या होगा, हाफ लाइफ में चेंजेस आएंगे नहीं आएंगे, तो ये सारी चीजें पूछी जाती हैं, ठीक है। तो बच्चे लोग समझ आ रहा है, ठीक है। हर्ष बेटा एटॉमिक स्ट्रक्चर नहीं पढ़ा रहा था, फ्राइडे सैटरडे संडे क्लास 12th, एटॉमिक स्ट्रक्चर में जैसे आप लोगों ने बोला है कि साई साई स्क्वायर का, मैंने आपको कहा था उसके लिए मैं एक डेडिकेटेड लेक्चर लूंगा, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, उसके जो ग्राफ है, बिकॉज वो 11th का बच्चे को जब पहली बार पढ़ा दो अगर वो, तो उसका दिमाग घूम जाता है, ठीक है। तो वो टॉपिक में मेंशन होगा कि आज यही पढ़ने वाले हैं, ओके, सारे एडवांस लेवल की प्रॉब्लम्स भी करवाऊंगा उसकी, डोंट वरी। चलिए तो अब देखते हैं बेटा एक्स का टाइम के साथ ग्राफ क्या होगा, क्या पढ़ा था हमने, क्या डिराइव किया था, एक्स इज इक्वल टू के टी डिराइव किया था, राइट। तो एक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम, और एक्स क्या था, ड्रॉप इन कंसंट्रेशन, तो वो टाइम के साथ लीनियरली बढ़ता है, ये आ जाएगा। स्लोप कितनी आ जाएगी इसकी, के, इसकी स्लोप के आ गई। अब रेट का टाइम के साथ ग्राफ करेंगे, तो बेटा जीरो ऑर्डर में रेट इज इक्वल टू के था, रेट तो कॉन्स्टेंट था, टाइम के साथ तो रेट चेंज ही नहीं हो रहा है, तो रेट का जो ग्राफ था टाइम के साथ दैट विल रिमेन पैरेलल टू एक्स एक्सिस बिकॉज रेट इज इक्वल टू के। तो ये आ गया आपका एक्स वर्सेस टाइम कर लो, रेट वर्सेस टाइम कर लो, कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम मैंने आपको दिखा दिया, नेगेटिव स्लोप के साथ स्ट्रेट लाइन था, फाइन। बच्चों पढ़ाई पे ध्यान दो, यस। पढ़ाई पे ध्यान दो, देखो सीरियसली, मतलब ठीक है, दिस इज नॉट राइट, यश बेटा आपको ऑनलाइन पेमेंट ही करना पड़ेगा, कैश कौन लेगा यहाँ पे, कोई नहीं लेगा यहाँ पे। देखो तो ये हो गया जीरो ऑर्डर का। अब ये जो केस था वो था ए से डायरेक्टली प्रोडक्ट बना रहे हो, बेटा अगर यहाँ पर ए की जगह एन ए हो तो, मतलब दो मोल ए है, तीन ए है, थ्री ए गिव्स यू प्रोडक्ट, फोर ए गिव्स यू प्रोडक्ट, यहाँ अगर एन नंबर आ गया, स्टॉक्यूमेट्रिक कॉफिशियंट चेंज हो गया, तो आपको क्या लगता है फॉर्मूले पर इफेक्ट नहीं पड़ेगा, बिल्कुल पड़ेगा, जो डेरिवेशन था आपका इंटीग्रेशन वाला उसमें डिफरेंस तो आएगा। तो अगर यहां पर n आ जाए तो बेटा आपका फाइनल जो एक्सप्रेशन आएगा ct इज इक्वल टू c नॉट माइनस n kt, तो इट्स बेटर कि आप यही वाला फॉर्मूला याद करो, ये वाला फॉर्मूला याद करोगे, n को वन पुट करोगे तो काम चल पड़ेगा, तो n तो कुछ भी हो सकता है ना, तो रिमेंबर दिस फॉर्मूला, एंड t हाफ इज c नॉट अपॉन 2nk, तो क्या क्या है, ct इज इक्वल टू c नॉट माइनस 2nk, सॉरी NKT, CT is equal to C naught minus NKT, and T half is equal to C naught divided by 2NK, fine, और अगर T half इतना है, तो T completion कितना हो जाएगा, इसका double हो जाएगा, C naught upon NK, बस N लगाना है, K के साथ N लगा देना है, तो
तो जो मैंने आपको अभी शॉर्टकट बताया था वो क्या था? अब ध्यान से सुनो, मैं शॉर्टकट बता रहा हूं, फिर मत बोलना सर मेरे को ये समझ नहीं आया, सर वो समझ नहीं आया, ठीक है? अब ध्यान से यहां पे सुनो बेटा, ब्लैक बोर्ड का प्रॉब्लम रहती है यार, ब्लैक बोर्ड की काफी प्रॉब्लम रहती है, ठीक है? विल बी स्विचिंग बैक टू व्हाइट बोर्ड, क्योंकि इसमें ग्लेयर का दिक्कत है और मेरे को फिर पूरा हैंड रिटन करके करना पड़ता है, इट्स थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है. देखो, तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन में इक्वल अमाउंट ड्रॉप्स इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, जो मैंने आपको पहले भी समझाया कि अगर 100 अमाउंट दिया है और अगर वो टी टाइम में 80 हो रहा है तो अगले टी टाइम में वो 60 होगा, अगले टी में 40, फिर 20, फिर 0. तो अमाउंट देखना आपने ड्रॉप कितने का आया, यहां 20 का ड्रॉप आया, यहां भी 20 का ड्रॉप आया, यहां भी 20 का ड्रॉप आया, एंड सो ऑन. ठीक है, कुछ भी दिया हो. तो अगर मुझे बोला है कि 5 मिनट में वो 100 से 90 हो गया, 5 मिनट में 100 से कंसंट्रेशन हो गई 90, बेटा कितनी देर में कंप्लीट हो जाएगा? ध्यान से सुनो और आंसर दो इसका. 5 मिनट में 100 से कंसंट्रेशन 90 हो गई तो कंप्लीट कितने मिनट में हो जाएगा? आई एम लुकिंग एट द चैट नाउ, देखता हूं आप लोगों का रिस्पॉन्स क्या आ रहा है. उज्ज्वल बेटा वो a माइनस एक्स वाला छोड़ दे, तू डायरेक्टली वो याद कर, ct इज इक्वल टू c नॉट माइनस एन के टी, बस a माइनस एक्स वाला छोड़ दे, कोई दिक्कत नहीं है, इसीलिए मैंने दोनों डेरिवेशन करवाई. ठीक है, यस उज्ज्वल इज राइट, आंसर इज 50 मिनट्स. ठीक है, तो देखो, तो अगर 100 से 90 वो बेटा अगर 5 मिनट में हो रहा है तो फिर 5 5 5 करके मतलब 10 10 के कितने बनेंगे, 10 10 के 10 इंटरवल बनेंगे. तो 5 5 मिनट के 10 इंटरवल मतलब 50 मिनट. तो इस केस में आपका जो टी कंप्लीशन आ गया दैट इज 50 मिनट, और आपका जो टी 50 आया दैट इज 25 मिनट. अभी आपको ये बड़ा इजी सा सिंपल सा लग रहा होगा, बट जब हम इसके ऊपर प्रॉब्लम सॉल्विंग स्टार्ट करेंगे यू विल रियलाइज कि कितनी अच्छी टेक्निक है, कि डायरेक्टली इससे आपका आंसर कितनी जल्दी आता है. ठीक है, चलो अभी क्वेश्चन करते हैं डायरेक्टली इसको. अभी ACCC 2010 का क्वेश्चन है, आप लोग पढ़ो और आप ही लोग सॉल्व करो. द टाइम फॉर हाफ लाइफ पीरियड ऑफ अ सर्टेन रिएक्शन ए गिव्स यू प्रोडक्ट इज 1 आवर. ठीक है, हाफ लाइफ पीरियड टी हाफ 1 आवर दिया हुआ है. When the initial concentration of reactant is 2 mole per liter, how much time does it take for its concentration to come from 0.5 to 0.25 if it is a zero order reaction? बताओ भाई क्या होगा. चलिए जल्दी से क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, देखते हैं. आदर्श बेटा देखो, डिस्क्रिप्शन में, इस लेक्चर की डिस्क्रिप्शन में देर इज अ नोट कि आपकी अगर कुछ क्वेरीज हैं ऐसी टिपिकल, तो वहां पर आप, वो गूगल फॉर्म रहेगा, आप उसको फिल कर दो, डेफिनेटली विल कॉन्टेक्ट यू. ओके, देखो तो टाइम फॉर हाफ लाइफ पीरियड ऑफ इज 1 आवर, तो यह डायरेक्टली बोल दिया उसने टी हाफ इज 1 आवर. ठीक है, और इनिशियल कंसेंट्रेशन कितना है, 2 mole per liter. तो 2 से 1 आवर के बाद कितना हो जाएगा, वो 1 हो जाएगा. ठीक है, ये बोल रहा 0.5 से 0.25 कितने में होगा यार, 1 आवर में. अब देखो ये फॉर्मूले से तो आप बड़ी इजीली कर लोगे. देखो 2 से 1 हो रहा है 1 आवर में, एक का ड्रॉप हुआ ना, तो 1 से 0 हो जाएगा अगले 1 आवर में, तो मतलब 60 मिनट्स में 2 से 1 हो गया, मतलब 30 मिनट में, 60 मिनट में यार 1 मोलर कम हो रहा है, तो 0.5 से 0.25 क्या हुआ उसका, 1/4, 15 मिनट में हो जाएगा. समझे ना, 1 मोलर ड्रॉप आ रहा है 1 आवर में, तो 0.5 से 0.25 इज एक्चुअली 1/4 मोलर. 0.25 का गैप आया ना, ड्रॉप आया, तो 1/4 ड्रॉप कितना आएगा, 1/4 आवर में आएगा, तो आंसर डायरेक्टली 0.25 आ गया. ये तो हो गया ओरली सॉल्व करना है, बिना कुछ किए, पढ़ा सोचा और सॉल्व कर दिया. आप इक्वेशन लगा लो, CT इज इक्वल टू सी नॉट माइनस KT. अगर इक्वेशन लगाओगे तो ऐसे करना पड़ेगा,
ठीक है, कि फाइनल कंसंट्रेशन कितनी हुई जी, टी हाफ आपको दिया था, या टी हाफ कर लो, टी हाफ इज इक्वल टू सी नॉट बाय टू के, ये तो टी हाफ आपको दिया हुआ है, इनिशियल भी दिया, यहां से के निकालेंगे, फिर यहां से जब आप के कैलकुलेट करोगे उसको आप इस इक्वेशन में पुट करोगे तो आर निकल जाएगा कि फाइनल कितना दिया इसने 0.25, इनिशियल कितना बोला है 0.5, तो ये पुट करो, के यहां से निकाल के वहां डालो। तो अगर खुद सोचो यार, ये एट्रीब्यूट 2010 का क्वेश्चन है, ये दिमाग में सेकंड्स में सॉल्व हो रहा है कि दो से मेरा एक हो रहा है 60 मिनट में, तो दो से मतलब एक मोलर का ड्रॉप 60 मिनट्स में आ रहा है, तो 0.5 मोलर का ड्रॉप 30 मिनट में आएगा, 0.25 मोलर का ड्रॉप 15 मिनट में आएगा। समझ आया, ये समझ आया कि नहीं आया? आया, ओरली कर सकते थे इसको, मतलब इक्वेशन यूज करने की जरूरत थी क्या आपने को? अपने को बिल्कुल जरूरत नहीं थी इक्वेशन को यूज करने की, ठीक है, बहुत सिंपली सॉल्व हो गया था। तो समझ आ रहा है तो बच्चों लाइक करते चलो, ठीक है, मतलब आप लोग लाइक करोगे तो डेफिनेटली अच्छा लगता है, ठीक है। और यार थोड़ा ट्राई किया करो कि मतलब ये जो जो काम की चैट नहीं है ना, वो कम करें, मस्ती कम करें और थोड़ा पढ़ाई पे ध्यान दें। देखो थोड़ी देर है अपने पास पढ़ने की, बस उसमें पढ़ लें तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है बेटा। इक्विवेलेंस मैं करवाऊंगा जब हम रिडॉक्स रिएक्शन कवर कर लेंगे उसके बाद। देखिए नेक्स्ट, द टाइम रिक्वायर्ड फॉर 100% कंप्लीशन ऑफ अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन, डायरेक्टली अब फॉर्मूला पूछ लिया है, तो टी 100 कितना होता है, टी 100 कितना होता है, जल्दी जल्दी आंसर दो इसका। सॉरी बेटा मैं वर्ल्ड कप नहीं देखता, क्रिकेट नहीं देखता, नो इंटरेस्ट इन क्रिकेट। कितना है बेटा फॉर्मूला, फास्ट फास्ट जल्दी आंसर। एनोनिमस बेटा 15 मिनट का मतलब 0.15 आवर्स नहीं होता है, 1 आवर इज 60 मिनट, 1/4 आवर इज 60 का 1/4, ठीक है। देखो तो आंसर इज क्या है, क्या है, क्या है, जल्दी से, आंसर इज सी, इनिशियल कंसंट्रेशन अपॉन के, ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट, ए टू बी इज एन आइडियल गैस, ये अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, ये अच्छा क्वेश्चन है, इसलिए मैंने लिख के लाया हूं उसको। ए टू बी इज एन आइडियल गैस, अब मैं इसको पढ़ा रहा हूं, करा रहा हूं, जिनको सॉल्व करना है वो साथ के साथ सॉल्व करते चलो, अदरवाइज मैं इसको सॉल्व करूंगा आराम आराम से, जिनको समझना है वो फोकस करो, जिनको खुद सॉल्व करना है वो सॉल्व करते चलो। देखिए तो हमारे पास रिएक्शन है कि ए टू बी कन्वर्ट हो रहा है ए टू प्लस हाफ बी टू में, एट स्टार्ट इनिशियल प्रेशर इज 100, ठीक है जी, एट स्टार्ट प्रोडक्ट तो बना नहीं था, तो जो 100 है वो इसी का प्रेशर है, फाइन, एंड आफ्टर 5 मिनट द प्रेशर इज 120। अरे यार 5 मिनट के बाद जो प्रेशर आएगा वो अकेले इसका थोड़ा ना होगा, ये भी तो बने होंगे थोड़े बहुत, तो मान लेते हैं 100 से कम हुआ प्रेशर इसका, कम ही होगा ऑब्वियसली, और क्या होगा, तो आफ्टर 5 मिनट 100 से पी अमाउंट कम हो गया। अब इसका एक मोल, इसका एक मोल देता है, तो अगर यहां पी का ड्रॉप आया तो यहां पर पी बनेगा, इसका एक मोल से वहां हाफ मोल बनता है, तो इसका पी गया तो वहां पर पी बाय टू आया, समझे, समझे। अब बोल रहा है कि इस टाइम टोटल प्रेशर 120 है, तो इसका मतलब हुआ 100 माइनस पी प्लस पी प्लस पी बाय टू, दैट इज इक्वल टू 120 mm ऑफ मर्करी, राइट, तो 100 प्लस पी बाय टू इज इक्वल टू 120, तो बेटा पी कितना हो गया, यहां पे पी आ गया 40, आया ना ये 100 प्लस पी बाय टू इज इक्वल टू 120, तो पी कितना आ गया 40, तो पी आ गया आपके पास 40 mm, तो बेटा 5 मिनट में 40 उड़ गए, 5 मिनट में 40 उड़ गए, ठीक है। व्हाट इज द एवरेज रेट ऑफ डिकम्पोजिशन, एवरेज रेट क्या है, नाउ व्हाट इज एवरेज रेट, चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन टाइम, या कंसंट्रेशन नहीं है तो ये आ जाएगा चेंज इन प्रेशर अपॉन टाइम, कितना प्रेशर उड़ा 40, कितने मिनट में, 5 मिनट में, 40 mm ऑफ मर्करी डिवाइड बाय
5. That is 8 mm mercury per minute. ये बेटा एवरेज रेट 8 mm मर्करी पर मिनट. ठीक है, ये तो ऐसे सॉल्व करना था. तो समझ आया बेटा? समीर पिछले वाले का सी आया, वो डायरेक्टली फॉर्मूला था, वो डेरिवेशन में. अभी हमने इसके पहले डेरिवेशन की थी, वहां डायरेक्टली वो फॉर्मूला था. ठीक है, इट्स अ स्ट्रेट फॉर्मूला टी कंप्लीशन का, ए नॉट अपॉन के. फाइन. Yes, Sengej is good for physical chemistry. Sameer, beta, main tabhi to bol raha hu. That is a derivation, that is a standard formula. Wahi pooch liya hai question mein. Theek hai? Dekho, chalo, main isko fir se samjha raha hu. Starting ka pressure tha 100. Ab jab starting hui hai, beta, to product to bane nahi honge. Ye to zero honge. To 100 ka jo 100 tha, wo sirf isi ka pressure hai reactant ka. थोड़ी देर के बाद रिएक्टेंट कंज्यूम हुए, प्रोडक्ट बनना स्टार्ट हुआ, तो इसका प्रेशर ड्रॉप हुआ. 100 से पी हो गया, 100 से पी कम हो गया, 100 माइनस पी बचा. अब बेटा इसका एक मोल टूटता है, वहां एक मोल बनता है. यही मतलब हुआ ना इक्वेशन का. इसका एक मोल और इसका हाफ मोल जनरेट करते हैं, तो प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स. तो इसका पी से ड्रॉप करेगा प्रेशर, तो यहां पी बनेगा और यहां पी बाय 2 बनेगा स्टोकियोमेट्री के हिसाब से. अब वो बोल रहा है कि यार 5 मिनट के बाद टोटल प्रेशर हो गया 120. तो ये हुआ ना टोटल प्रेशर, इसका प्लस इसका प्लस इसका, ये हुआ ना. सिस्टम में तो तीनों चीजें हैं, तो टोटल प्रेशर 120 हुआ, तो पी आ गया 40. मतलब 40 का प्रेशर 5 मिनट में उड़ रहा है. 40 अगर बेटा 5 मिनट में उड़ रहा है, तो 1 मिनट में कितने उड़ रहे हैं? 8. तो 8 mm मर्करी का प्रेशर ड्रॉप हो रहा है एवरी मिनट. ठीक है, तो आई होप आपको समझ आ गया होगा. अब चलिए, ड्रॉप पूछा बेटा, एवरेज रेट, ड्रॉप डिवाइड बाय टाइम. ये नहीं पूछा फाइनल कितना है कि 100 माइनस 40 इज इक्वल टू 60. नो, ड्रॉप कितना आया डिवाइड बाय टाइम टेकन. ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन है आपको, सिंपल क्वेश्चन है. तो दो तरीके हैं, एक तो आप प्रॉपर इक्वेशन यूज करके सॉल्व कर लो, दूसरा तरीका है आप शॉर्टकट से सॉल्व करो. तो मैं अब यह देखना चाहूंगा कि आप में से कितने बच्चे शॉर्टकट से इसका आंसर निकालते हैं. जल्दी जल्दी बेटा, आपको एक मिनट दे रहा हूं मैं. ठीक है, ओके, फास्ट सॉल्व करो. विजीत बेटा, सिंपल इक्वेशन थी, 100 प्लस पी बाय 2 अगर 120 है, तो पी 40 नहीं आएगा तो क्या आएगा? अब बेटा तुम लोगों को मतलब 10th का मैथ भी पढ़ाना पड़ेगा क्या? चलो, तो लेट्स सी क्या आंसर क्या आएगा. देखो अब मामला सिंपल है, A gives you B plus C, initial concentration, zero order पहले लिख रखा है इसने, initial concentration of A is 0.1, तो बेटा 0.1 से ये 0.08 हो रहा है, तो simplicity के लिए अपन ऐसा कर लें, 100 से multiply कर लें इसको, simplicity के लिए, ताकि आप लोग गलती ना करो, 0.1 की जगह इसको मैं 10 कर लूं, 100 से multiply करके 8 कर लूं उसको, एक ही बात है ना वो, 0.1 से 0.08 हुआ या 10 से 8 हुआ, एक ही बात है. ठीक है, तो ये हो रहा है वो 10 मिनट्स में, देन इट्स हाफ लाइफ. या 10 मिनट में 10 से 8 हुआ, तो अगले 10 मिनट्स में कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा, फिर 4, फिर 2, फिर 0, 10 20 30 40 50 50 मिनट में डन हो गया ना. मतलब 10 मिनट में 2 का ड्रॉप आ रहा है, और टोटल 10 दिए, तो 2 2 2 2 2 50 मिनट में डन. तो जो टी 100 आ गया 50, और जो टी हाफ आ गया 25. सॉल्व, कुछ नहीं करना था, डन. समझ आ गया? ठीक है, डायरेक्टली हुआ, हुआ ना. अदरवाइज आप क्या करते, आप करते सी टी इज इक्वल टू सी नॉट माइनस के टी, कि जी फाइनल है 0.08, इनिशियल था 0.1, टाइम कितना था 10 मिनट्स,
आप के निकालते, के निकालने के बाद सी नॉट अपॉन के करते, तब टी हंड्रेड आता, ठीक है। ये ऐसे ही आ गया, आया कि नहीं आया? देखो अब ये महाराज पूछ रहे हैं कि वीडियो लाइक करना है कि नहीं करना है, तो बेटा और क्या करना है, ठीक है। तो दैट क्लियर, सबको क्लियर हो गया? ओके फाइन, चलो तो सिंपल सा क्वेश्चन था। अब नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज करेक्ट फॉर के एफ एंड के बी इन एन इक्विलिब्रियम प्रोसेस दैट कंटेन इक्वल मोल ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट। बेटा ये केमिकल इक्विलिब्रियम से रिलेटेड क्वेश्चन हो गया, तो मैं भी देखता हूं कि आप कितने बच्चे इसका सही आंसर देते हैं। ये आपने केमिकल इक्विलिब्रियम में पढ़ा है, के एफ और के बी क्या होते हैं, फॉरवर्ड रेट कॉन्स्टेंट और बैकवर्ड रेट कॉन्स्टेंट, ठीक है। तो क्या होगा इसमें, जल्दी से बताना है। एट इक्विलिब्रियम आपने पढ़ा है कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बिकम्स इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, नहीं बेटा इस वीक में तो बिल्कुल कंप्लीट नहीं होगा, ठीक है। अभी तो थर्ड लेक्चर हुआ है, ठीक है, कम से कम इसके सात आठ लेक्चर तो होंगे। तो ये जितने बच्चों ने केमिकल इक्विलिब्रियम पढ़ा है इलेवेंथ में, ढंग से पढ़ा है, जल्दी से सॉल्व करो। देखो अब इक्विलिब्रियम पे क्या बोलते हैं हम, वी से के एट इक्विलिब्रियम रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बिकम्स इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। लेट्स टेक एन एग्जांपल के ए प्लस बी इन इक्विलिब्रियम विद सी प्लस डी, तो रेट ऑफ फॉरवर्ड कितना हो जाएगा, के फॉरवर्ड इनटू ए रेज टू पावर समथिंग। चलो मान लेते हैं ए के रिस्पेक्ट में फर्स्ट ऑर्डर था, बी के रिस्पेक्ट में भी फर्स्ट ऑर्डर था, मान लेते हैं। तो ए रेज टू पावर वन इंटू बी रेज टू पावर वन, और बैकवर्ड कितना रहेगा, के बी इंटू सी रेज टू पावर वन और डी रेज टू पावर वन। तो ये हमने माना है कि ऐसा केस था कि दोनों के रिस्पेक्ट में फर्स्ट ऑर्डर था, इन दोनों के रिस्पेक्ट में फर्स्ट ऑर्डर था, एट इक्विलिब्रियम ये बराबर हो जाएंगे, ठीक है ना। तो क्या बोला हुआ है, दैट कंटेन्स इक्वल मोल ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट। अब यार अगर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के इक्वल मोल दिए हों, है ना, चलो एक काम करते हैं, इनको मान नहीं लेते इसको, ऐसा इसको ए और बी कर लेते हैं, इसको सी और डी कर लेते हैं, ठीक है। तो चलो मोल अगर इनके बराबर हैं, कंसंट्रेशन भी बराबर हो गई, यार पावर थोड़ी ना बराबर होंगी, तो क्या गारंटी है कि के एफ और के बी बराबर होंगे, ये बड़ा होगा छोटा होगा, नहीं ना। ऑर्डर तो एक्सपेरिमेंटली डिफरेंट हो सकते हैं, ऑर्डर जो है ए के रिस्पेक्ट में, बी के रिस्पेक्ट में, सी और डी के रिस्पेक्ट में, ये तो डिफरेंट हो सकते हैं, कोई गारंटी नहीं है बराबर होंगे, है ना। तो अगर ए बी सी डी के नंबर ऑफ मोल अगर बराबर थे तो कंसंट्रेशन बराबर होगी ना, रेज टू पावर तो बराबर नहीं होगी हमेशा, ठीक है। तो देर इज नो वे वी कैन कमेंट ऑन दिस, वी कैन नॉट प्रिडिक्ट। तो ऐसा कुछ नहीं है कि इक्विलिब्रियम पे मोल बराबर हैं तो उनके रेट कॉन्स्टेंट्स भी बराबर होंगे, कि के एफ और के बी भी बराबर होंगे, ऐसा नहीं है, गलती से मत सोचना। हाँ रेट बराबर है, रेट ऑफ फॉरवर्ड बिकम्स इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड एट इक्विलिब्रियम, बट दैट डजंट मीन के उसका रेट कॉन्स्टेंट्स भी बराबर होंगे। अजीत बेटा टफ क्वेश्चन कराऊंगा, पर अभी देखो, अभी जस्ट हमने जीरो ऑर्डर का डेरिवेशन किया, बेसिक लेवल से मैं आपको सिखा रहा हूं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे यहाँ पे जस्ट अभी ट्वेल्थ में हुए हैं, ठीक है, तो फर्स्ट टाइम चीजों को पढ़ रहे हैं, तो दे नीड टू बिल्ड फ्रॉम द बेसिक्स। एक बार आपका बेसिक बेसिक हो गया ना, फिर यार हाई लेवल क्वेश्चन कुछ नहीं, अपने को कोई रिकॉर्ड नहीं लेना, किससे कोई क्या मतलब, कोई सर्टिफिकेट नहीं लेना है कि हमने टफ क्वेश्चन किए हैं। हमें ये इंश्योर करना है कि हम फंडामेंटल समझे टॉपिक का कि नहीं समझे, ठीक है। समृद्धि बेटा आ जाएगा, नीट की क्लास भी आ जाएगी, डोंट वरी, ठीक है। चलो तो ये हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन, रेट कॉन्स्टेंट ऑफ अ रिएक्शन डिपेंड्स ऑन, ये तो हमने कर ही लिया था, स्टार्टिंग में कर लिया था, टेम्परेचर वाला, के जो है सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो चलो ये तो रिपीट हो गया क्वेश्चन, सॉरी फॉर दैट। चलिए फॉर द रिएक्शन, अब आपको मैं होमवर्क प्रॉब्लम दे दूं,
होमवर्क प्रॉब्लम दे देता हूँ, आप लोग कर लोगे, डीपीपी बोलते रह रहे हो, जल्दी से लाइक करके इसको 400 पहुंचा दो, तब तक मैं आपको होमवर्क प्रॉब्लम दे रहा हूँ। देखो ये आ गया, एक होमवर्क प्रॉब्लम है, नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन, फिर उसके बाद अपन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन स्टार्ट करेंगे। तो फर्स्ट ऑर्डर के लिए आप कम से कम ये याद कर सकते हो कि दीज आर द रिएक्शन जो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स फॉलो करते हैं। तो बच्चों कल तक अच्छे से पढ़ गया ना, जीरो ऑर्डर रिएक्शन खत्म कर लेना, प्रॉब्लम प्रैक्टिस कर लेना, फर्स्ट ऑर्डर के बेसिक्स पढ़ के आना। वो पढ़ के आओगे तो आपको फर्स्ट ऑर्डर बहुत जल्दी से समझ आएगा। फर्स्ट ऑर्डर में काफी ज्यादा केसेस हैं, कम से कम दो लेक्चर तो अपने को फर्स्ट ऑर्डर करने करने में ही लग जाएंगे। फाइन, चलिए दैट इज ऑल। तो जीओसी बेटा कुछ टाइम के बाद ही स्टार्ट हो पाएगा, ठीक है? तो अभी समीर सर आने वाले हैं, द ग्रेट ग्रेट समीर सर, जो टीचर्स को आप पता ना, टीचर्स को ट्रेन करते रहे हैं वो आईटीजेई कोचिंग के लिए, ठीक है? तो जल्दी से मैथ्स की क्लास के लिए सारे सारे बच्चे 5 मिनट में जाके वापस आ जाओ और अपने दोस्तों को बोलो लाइव के लिए, और इसको जितना शेयर कर सकते हो उतना शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, ठीक है? चलो और पढ़ाई एंजॉय करो। ओके गाइस, मिलते हैं फिर कल, बाय।